की तैयारी करने पर कोटा पहुंचे मोहम्मद जैन, ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जोधपुर लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम का अनुभव मिलता था, काम से वो अपनी पहचान बनाते थे और देश के अंदर आंतरिक जो हमारे किसी भी तरह का सामान होता था, दिनचर्या में आने वाले सामान होते थे, उनको वो लोग बनाते थे। बीच में आजादी के बाद ऐसा समय आया कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योग खोलने का काम किया। वो बड़े बड़े उद्योग कुछ पूंजीपतियों तक सीमित कर रह गए और हमारे छोटे उद्योग थे, धीरे धीरे वो समापन की ओर चले गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लघु उद्योग भारती को कि उन्होंने राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस लघु उद्योग के माध्यम से हमारे वे छोटे मझोले जो कारीगर थे, जो आए दिन अपनी हर दृष्टि से वो अपने उद्योग के माध्यम से आगे आ सकते थे, उनको आगे लाने का काम किया। मैं लघु उद्योग भारती को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से हमारे पास इसका एक प्रोफॉर्मा आया है। पहले भी हमारी केंद्र सरकार ने इसकी ओर काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आप मन की बात के अंदर सुनते होंगे। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हर एक ऐसा उद्योग जो गांव में विकसित हो रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो जूते बनाने का हो, चाहे वो हमारे सुनार भाइयों का हो, चाहे हमारे इस तरह के समाज में लगातार जो काम करने वाले भाई हैं हमारे, सुतार हो, लोहार हो, किसी भी तरह का वो काम करने वाले थे, उन भाइयों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनकी वो कला को आगे प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये आपकी सरकार है, आपके द्वारा राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बहुमत आपने दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आपके इस लघु उद्योग को हमारी सरकार, जहां आपको इसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से सहयोग करने वाली है। जहां आपकी समस्याएं उनका समाधान भी होगा, ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएंगे जहां लघु उद्योग भारती के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से हम आपके काम में किस तरह से सहयोगी बन सकते हैं, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा का मामला हो। ऊर्जा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा अगर हमारी स्थिति खराब की है तो ऊर्जा के अंदर की, 90,000 करोड़ रुपए का घाटा उस सरकार ने हमें दिया। लेकिन हमने जिस दिन ऊर्जा विभाग की मीटिंग ली थी, 4.5 घंटे वो मीटिंग रिव्यू हमारी चली, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आगे आने वाले समय में जो माननीय हमारे मंत्री गजेंद्र जी ने कहा है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना के रहेंगे, ये हमारा आपसे कहना है। हमने देखा कि कोयले की रेक आती थी, 30 रेक प्रतिदिन आना था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका समायोजन नहीं हो सका। हमको 15 और 16 रेक आनी थी, 40% कोयला हमें महंगा लेना पड़ता था, इसलिए हमारा घाटा बढ़ा।
कितना बड़ा किया है, लेकिन फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में आपको पूरी बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जिस तरह से, जहां भी आपने देखा होगा, जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। यह हमारा शांत प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं गैंगवार, अशांति का क्षेत्र उन्होंने बना के रख दिया। युवाओं के साथ धोखा देने का काम यहां की सरकार ने किया, 19 पेपर हुए, 17 पेपर लीक करने का काम किया, उस पिता पुत्र के बीच में भी दूरी पैदा करने का काम किया, पिता पता नहीं कहां से किस किस से पैसे लेकर के आया, बेटे को शहर में कमरा भी दिलाया, मकान दिलाया, और उसको पढ़ाने का काम किया, कोचिंग संस्था में उसका एडमिशन दिलाने का काम किया। पिता को विश्वास था कि मेरे बेटे ने कहा तो निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा और आगे आने वाली परीक्षा में नंबर लाएगा, और बेटे ने भी पिताजी को विश्वास दिला दिया कि पिताजी आपने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, मैं अपनी परीक्षा में नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसे परीक्षा होती थी, पेपर आउट हो जाता था और वो दुखी मन से मन ही मन रोता था। पिता सोचता था कि मेरे बेटे ने मेहनत नहीं की, पुत्र ने मेहनत नहीं की, पुत्र सोचता था कि मैंने तो खूब मेहनत की, लेकिन इस पेपर के लुटेरों ने मेरी मेहनत को कहीं काम में नहीं आने दिया और फिर मेरा परीक्षा में नंबर ले गया। हमने उन युवाओं की तर्पण को देखा और हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एसआईटी का गठन करेंगे और ऐसे लोगों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमने हमारी सरकार आते ही एसआईटी का भी गठन किया, उन पेपर लीकों के उनको गिरफ्तार करने का भी काम किया है, और बड़े बड़े हैं अभी वो भी आने वाले हैं, क्योंकि हमने सीबीआई का रास्ता भी साफ कर दिया है। हम बताना चाहते हैं सीबीआई से वो लोग डरते हैं जिनके मन में डर होता है, हमने सीबीआई की जो उन्होंने रोक लगाई थी उसे भी खोलने का काम किया। मैं आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार है और इस सरकार ने जो भी आपके बीच में वादे किए हैं हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारी सरकार को 15 दिन नहीं हुए, हमने निर्णय किया कि हमने वादा किया है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने राजस्थान की धरती पर किया। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके जो ये प्रयास है लघु उद्योग भारत के नाम से, जो आप एक लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारा लघु उद्योग